प्रयागराज एसटीएफ व सैनी पुलिस ने 10 ड्रम अवैध स्प्रिट के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में सैनी कोतवाली क्षेत्र के NH2 गुलामीपुर के एक ढाबे में प्रयागराज एसटीएफ व सैनी पुलिस संयुक्त रूप से छापा मारकर जहरीली शराब बनाने का 10 ड्रम में 2000 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों को सैनी कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है। बरामद केमिकल को भी पुलिस कोतवाली ले आई है। तस्कर अवैध स्प्रिट को दिल्ली से जौनपुर लेकर जा रहे थे। 2000 लीटर से तस्कर 20,000 लीटर जहरीली शराब बनाकर बेचते। पुलिस गैंग के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। SP अभिनंदन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज एसटीएफ व सैनी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में गुलामीपुर के एक ढाबे के पास से 10 ड्रम अवैध स्प्रिट की खेप बरामद की है। मौके से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सर, कल रात में सैनी पुलिस और एसटीएफ ने कुछ ड्रम में केमिकल बरामद किए हैं अवैध शराब बनाने के। कल सैनिक पुलिस और एसटीएफ के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि एक ढाबा है, सैनिक थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर स्पिरिट जो कि दिल्ली से आ रही थी और जौनपुर को जा रही थी, उसकी खेप एक बरामद की है, जिसमें कि 10 ड्रम हम लोगों ने बरामद किए हैं। और इस केमिकल का, स्पिरिट का प्रयोग जहरीली शराब बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरह से ये बड़ी सफलता है और 5 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूरी की पूरी चेन को आगे और पीछे के जो लिंकेजेस हैं उसको डेवलप करके पूरे के पूरे गैंग को हम लोग वर्कआउट करें। इसमें सर वो क्या ढाबे का मालिक भी शामिल है? बिल्कुल, वो भी शामिल है और उनको भी अभियुक्त बनाया गया है और भी लोगों को जो लोग इसमें शामिल हैं उनको प्रेस किया जाएगा।